तो भाई स्वागत आप सबका आज के नए ब्लॉग में तो भाई स्वागत आपके सबका आज के नए ब्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं जॉब पे, ये एरिया देख रखे होगा तुम सब ने। और ये साथ में भैया चल रहे हैं। हाँ भाई कहाँ चल रहे हो? निशिर अभी आईडी नहीं, कहाँ जा रहे भाई? मेरे साथ पार्ट टाइम जॉब शुरू कर रहे हैं आज। ये आज इनका पहला डे है जापान में पार्ट जॉब वगैरह का, और जापनीज वगैरह भी नहीं आती भी। तो देखते हैं अभी कैसी क्या जॉब लगेगी। जॉब ख़त्म होने के बाद पूछे हुए कैसी जॉब लगी कैसे नहीं। ठीक है अभी ओके जी। अभी कैसा फील हो रहा है? अरे जबरदस्त। थोड़ा नर्वस या फिर कोई नर्वस कुछ नहीं, नेपाली भाई मिलेंगे आगे। अरे ना मिला तो ना नेपाली कुछ ना करें ना, वो जापानी कभी डिस्टर्ब नहीं करता आपको। क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे एक बार बताने के बाद ओके। और वो जो बताया वो समझ नहीं आया तो हाय सिंपल लॉजिक है। नहीं अच्छे से समझाओ हाय क्या होता है मतलब। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। हाँ चाहे समझ में आए चाहे ना आए। हाँ पर दो जैसे ही वहाँ से निकलो हाँ तो कोई पास में इंडियन बंदा दिखे अच्छा। कोई और दिखे तो आप उनसे पूछ सकते हो, वो बहुत ही बहुत तरीके से बताएगा, ज़्यादा लंबा कुछ छोटा काम नहीं है। हाँ जी अपनी जेब एक बार बताएगा ओके, और दूसरी बार से बाहर निकाल देगा अगर निकलोगे तो आप ना ना ये मजाक था भाई, समझाते अच्छे से समझाते, गलत करोगे दोबारा समझा देंगे, तिबारा भी समझा देंगे। तो वही से नहीं दरगाह भाई, ये सामने भाई ये भाई घर देखना कैसा नोबिता टूर्नामेंट में आते हैं ना तो वैसा घर लग रहा है। तो भाई इसमें इस लोग वाले में सिर्फ इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे भाई, कैसी जॉब लगी कैसा क्या गुस्सा और कोई दिक्कत हुई जॉब करने में नहीं। ये लोग एक तरह स्टूडेंट के लिए मोस्ट हेल्पफुल लोग हैं जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट आते हैं उनको तो चलो जापनीज थोड़ी बहुत आती है, फिर भी कहीं ना कहीं घबराहट होती है, मेरे को भी थी है। तो इनको जापनीज भी नहीं आती फिर भी देखते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है भाई व्यू बढ़िया आ रहा है, देखना कैसे मस्त बना रखे हैं क्योंकि जाल लगाते हैं। तो भाई ये जाम पड़ा है जाम पड़ा है इधर, ट्रक है यहाँ पे ज़्यादा, फैक्ट्रीज है ना इधर आके ज़्यादा। ये देखना कड़ी बढ़िया लग रही है। तो ठीक है, है? क्या ये येलो वाला ब्रांड कौन सा है? ये वो लेक्सस। तो ये भाई आपका साइकिल की दुकान, दादी अम्मा जी पूछ रही हैं कुछ इनसे मेरे साइकिल में क्या कमी है क्या नहीं, और भाई साइकिल खरीद लो इधर तक। तो ये इनका भाई मंदिर सा है, और भाई ठीक है भाई मिलते हैं फिर इस व्लॉग के एंड में, मतलब रात को मिलते हैं छुट्टी होने के बाद, और बताते हैं कैसा क्या कुछ है। ओके भाई। तो भाई जो कहा था ना रात को दिखाई थी ये जगह मैंने आपको, दिन में नहीं दिखा पाया था। आप देखो इधर से कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सनसेट होता है ना उस टाइम पर शानदार। ये सामने अपने जगह ठीक है चलते हैं, एक मिनट रुको। तो भाई ये अपनी जगह जो मैंने आपको उस दिन रात को दिखाई थी, अब दिन में देख लो आराम से, एक बार घुमा दो भी कैमरामैन सारी जगह दिखा दो। तो अभी भाई अपनी जॉब शुरू होने वाली है, लेट हो जाएंगे बाय। हाँ क्या हाल है भाई? अब पहुंच चुके भाई अपने जॉब के एरिया पे, ये जगह देख लो। ये भाई केला हमारा एक मजदूर केला घूम रहे हैं भैया अपनी कोका कोला। ठीक है आज दूसरा दिन है, एक बार इधर ऊपर चलते हैं, ऊपर चल कर एक बार इनसे बात करेंगे कल का दिन इनका कैसा गया कैसा नहीं। तो अभी रेड तो ही हमारे हम मुंह पर रहती है हमसे, तो अभी चलते हैं उधर। आ जाओ चलते इधर, तो इधर आ जाओ। ये भाई आ गया, ये एरिया तो तुमने खैर देख ही रखा होगा। तो थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम है, तो सोचे ऊपर जाके चल पड़ा। ये भाई देखो इधर का एरिया बढ़िया यार, यो इस साइड का थोड़ा पता नहीं क्यों पर इधर थोड़ी इंडियन वाली वाइब्स भी हैं, काफ़ी चीज़ इधर ऐसी दिखती है हमें। और भाई यो देखो तुम सामने का नज़ारा, फिर आ जाओ। ये देखो भाई स्वाद तो यो ले रहा है बढ़िया जिंदगी के। ये देखो एरिया ऐसा कुछ है, हाँ हाँ बना। ये भाई इधर का एरिया, ये गंतव्य
ठीक है कोई नहीं। हाँ तो भाई कल आपका पहला दिन था, कैसा रहा, क्या दिन था, क्या दिक्कत आई क्या नहीं? कुछ दिक्कत नहीं, वैसे लैंग्वेज दिक्कत आई और कुछ दिक्कत, थोड़े तेज बोलो, बाकी एवन बढ़िया है। ठीक है, लैंग्वेज की वजह से क्या दिक्कत आई, मतलब कुछ काम समझ में नहीं आया आपको या फिर? काम तो पुराना है, कोई भी इंडिया बंदा आके कर देगा, लेकिन वो बात होती है ना कि इस काम को करना कैसे है, वो बोल क्या रहे हैं, आप लगना कहाँ है, कहाँ शिफ्ट आपकी, किस जगह है, किस जगह नहीं है, मेन प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। कर तो कोई भी इंडिया वाला देगा, लेकिन काम चल जाता है अगर किसी को लैंग्वेज नहीं आ गई तो अपना भाई दौड़ेगा एक बार इंडिया के बंदे को तो सिर्फ इशारा चाहिए कि भाई ये काम ऐसा है और गोल गेट। तो मतलब आपको कल लैंग्वेज की वजह से मैं कह सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं 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 नहीं, ठीक है। वो बोलेगा उससे पहले तो इंडिया का बंदा ही सारा समझ जाता है कि बंदा केड़ा का जाता है। हाँ। वो जो गोल्फ ग्राउंड भाई, ये क्या है, जापानीज क्या होते हैं, इशारे के साथ बोलते हैं हर चीज, तो इनकी नॉर्मली बात समझ में वैसे भी आ जाती है। यही उतारेंगे हैं मोरी बिल्डिंग भाई, ये इनका हेलीकॉप्टर आ गया, पहले ब्लॉग में जो बताया था, पहले दूसरे जोन से वो आ जाए। ठीक है मेरे को, तो भाई पहले तो सबको बहुत बहुत थैंक यू जो भी भाई कमेंट कर रहे हैं, मैं बार बार हर ब्लॉग में कह रहा हूँ और कहना भी है भाई मेरे को, क्योंकि बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हो भाई और सपोर्ट भी ठीक है। ऐसे वो देखो हमारा ऑफिस है, वो दिख रही बिल्ली, ऑफिस में इनको यूनिकलो वाला दिखाऊंगा। तो भाई फोन सीधा कर लो, तो भाई क्या कहते हैं, अभी जॉब का टाइम हो रखा है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत थैंक यू, करते रहो सपोर्ट, व्लॉग डालता रहूँगा हफ्ते में, जैसे मैंने अभी शेड्यूल सोचा था तो 4 से 5 व्लॉग हफ्ते के पक्के हैं, और 2 मेरे पास कमेंट आए हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स के, उनको भी मैं डाल दूंगा सैटरडे, 1 आ जाएगा उनमें से फ्राइडे को, 1 आ जाएगा संडे को। और भाई ये जापान में कोका कोला पी रहा हूँ, आराम तो मिल जाए कोका कोला, यहाँ पर बहुत नॉर्मल है, कोई चक्कर वाली बात नहीं। और भाई इधर का एरिया, कैमरामैन एक बार एरिया दिखा दो। देखो भैया ये अपने दूध दही की फैक्ट्री है, और टेंशन मत लो, ये वाला बंदा कोका कोला पी रहा है तो भाई तुम और मजे करोगे, और दूध दही की टेंशन मतलब दूध दही पूरा आ जाएगा जापान में। तो भाई अभी चल रहे हैं अपनी जॉब की तरफ, और भाई और अगर भाई व्लॉग में कोई चीज़ ठीक ना लग रही हो, मेरे से कोई गलती हो रही किसी भी चीज़ में, तो एक बार समझ जाते हो तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, समझ आते हैं भाई, हम कान पकड़ गए भाई, जो सब हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हाँ भाई, तो भाई जोक सपाट एक बार मैं कहना चाहता हूँ, अगर भाई कोई भी व्लॉग में कुछ कमी है, कोई गलती है तो कमेंट करके बता दो, इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि यूँ थोड़ा भाई पहली बार है तो कुछ कर रहे हैं, कभी टाइम देखना एक बार। तो ये भाई इधर का एरिया है, एरिया मतलब सुंदर बहुत है इधर का एरिया, है ना। तो भाई भाई ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये व्लॉग शायद कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, लेकिन ठीक है कोई नहीं, अभी नेक्स्ट व्लॉग आ जाएगा पक्का बढ़िया वाला, और अभी तो ये व्लॉग ख़त्म ना हो, ये व्लॉग कल डलेगा, तो अभी और भी डालूंगा, छुट्टी टाइम भी डाल दूंगा, आज का भी एक्सपीरियंस पूछ लेंगे। तो भाई लेकिन मेन बात ये है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जापानीज़ का एक अक्षर भी नहीं आता इनको, और अच्छे से काम चल गया इनका, कोई मतलब न्यू सोचनी नहीं ना पड़ी भाई, कोई दिक्कत हो जाए कुछ नहीं। हाँ तो भाई ये अपना जो एरिया, ठीक है भाई मिलते हैं, ओके भाई। तो भाई ये मैं आ गया और नीचे, ये बिल्कुल नीचे आ गया, तो सामने है और आगे जा नहीं सकते, रास्ता नहीं है, ऐसा कुछ इधर का नीचे से देखा था, कैमरा में इतना नहीं पता चल रहा भाई, एक वो थकावटी इंसान उनसे नीचे नहीं उतरा गया, बोले मेरे बस की ना है भाई मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आया भाई, थारा भाई नहीं खिलाया, ठीक है। तो इसी बात पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है, तुम्हारे लिए आओ स्पेशल ये दिखाने के लिए, हालांकि दिखा तो मैंने ऊपर से भी दिया था, लेकिन कोई नहीं अभी देखो कोई चक्कर नहीं, ठीक है भाई मिलते हैं अब जॉब के छुट्टी होने के बाद, अभी चलते हैं जॉब में, ठीक है भाई। तो भाई जॉब पे बैठे हैं इधर, अभी ब्रेक चल रहा है, 30 मिनट्स का ब्रेक दिए हैं 2 बार, टोटल 1 घंटे का ब्रेक वगैरह, यो बैठे हमारे दूसरे भाई साहब। तो ठीक है भाई, सब लोग को एक बैंड करते हैं, कल जॉब की छुट्टी है तो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूँगा कल डेली लाइफ की जगह, ठीक है उसको भी देखना, और टॉपिक 2-3 टॉपिक आए हुए हैं मेरे पास, उनमें से किसी एक में डालता हूँ, देखता हूँ कल किस में डालूँ, तो सुन सारे पास जाओगे कल परसों, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे
टॉपिक्स पे वीडियो आ जाएगी पर्टिकुलर, इनके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लेके जाऊंगा मैं इनको कल, उस पर भी आ जाएगी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब करें, हरीश भर गए थे बोलने, कोई वो नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म बहुत ठीक है। तो भाई आप मंदा इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता इधर पब्लिक में ऐसे कोई भी नॉर्मल प्लेस पे तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं, तो इसलिए मंदा बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं।